তোমরা এত ক্লোজ থাকলে না, তাহলে কি করাবে? তোমরা একটু আগে আগে যাও, একটু আগে আগে করতে থাকো। मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण मौके पर यहाँ पर आया हूँ और मैं दुनिया की उस संस्था में आया हूँ जिसका बहुत बड़ा नाम है, जिसकी शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। और हमारे वाइस चांसलर इस समय ऐसे हैं, वो साधुवाद के पात्र हैं। ही हैज़ कंडक्टेड हिमसेल्फ इन एग्जेम्पलरी मैनर। कोई विवाद है तो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस को जांच में लगाना एक बहुत ही बड़ी अकाउंटेबिलिटी का डायरेक्शन देता है। मेरा मन रहेगा कि विश्व भारती अपने पुराने ग्लैमर के अंदर आए, दुनिया में इसका नाम हो और साथ में भारत का भी नाम हो और पश्चिम बंगाल का भी नाम हो। दूसरा महत्वपूर्ण मौका था कि 1922 में रविंद्रनाथ टैगोर ने जो शुरुआत की थी, देखिए जमींदारी थे, किसान के लिए उनका मन कितना तड़पता था, नोबेल प्राइज़ का हिस्सा किसान के हित में दिया, ये माघ मेला शुरू किया। इसके 2022 में 100 साल हो जाएंगे। मैंने अनुरोध किया है कि सेंटिनरी सेलिब्रेशंस की शुरुआत 2021 की फरवरी महीने से हो जानी चाहिए। उसका कारण है 2021 में होने से पूरी साल भर कार्यक्रम चलेंगे, दुनिया के श्रेष्ठतम वैज्ञानिक बताएंगे किसान का कैसे हित हो, रिसर्च होगी, किसानों का इन्वॉल्वमेंट होगा, उनकी क्रिएटिविटी का होगा, ताकि 2022 में क्लाइमेक्स हो जाए। तो पूरी साल 10-12 अच्छे कार्यक्रम होंगे, ये मैंने अनुरोध वाइस चांसलर महोदय से भी किया है कि वी शुड डू इट। উন্নত নাগরিক সেবা প্রদানে জয়নগর মজিলপুর পুরসভা শহর জুড়ে উন্নয়নের ছোঁয়া। নির্মিত হয়েছে শিশু উদ্যান, সুলভ শৌচালয়, পুরো এলাকার সৌন্দর্যায়ন, সাংস্কৃতিক চর্চা ও বিনোদন কেন্দ্র, আধুনিক প্রেক্ষাগৃহ, সড়ক নির্মাণ, কমিউনিটি সেন্টার, গৃহহীনদের জন্য গৃহ নির্মাণ, খেলার মাঠ, প্রসূতি সদনে উন্নত পরিষেবা, সিনিয়র সিটিজেন পার্ক, মাল্টিজিম, পানীয় জলের প্রকল্প, আধুনিক বাজার, বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও বায়োগ্যাস উৎপাদন, যুবক যুবতীদের জন্য স্বনির্ভর প্রকল্প, উন্নত পরিষেবা প্রদানে বদ্ধপরিকর জয়নগর মজিলপুর পুরসভা।